देखिए फ्रेंड, ये स्वेटर लगभग बन के तैयार है और अब हमें थोड़ा सा इसमें क्रोशिया का काम करना है। तो चलिए हम क्रोशिया का काम करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। और हम सिंगल क्रोशिया इसमें बल नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमको चारों तरफ इसमें ऐसे ही करना है। हमको इसके चारों तरफ ऐसे ही एक लाइन बना देना है। और अब देखिए यहाँ पे हम आए हैं, अब ये यहाँ से सीधा गया है। तो क्या करेंगे कि एक ही में दो बार ऐसे बनाएंगे। और अब इधर मोड़ देंगे। ऐसे ही हम इसके पूरे चारों तरफ ऐसे ही बनाएंगे। हमारा एक लाइन ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसी के ऊपर एक लाइन और सिंगल क्रोशिया से कर लेंगे। प्रत्येक चेन में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है उसमें क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ पे 10 फंदा मैंने लगातार घटाया था, ये कॉर्नर वाला हिस्सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे देखिए दो बना है तो बीच में ऐसे डालेंगे, ऐसे बल निकालेंगे, लूप निकालेंगे और ख़त्म कर देंगे। हमने देखिए क्या किया, ऐसे क्रोशिया डाला, एक फंदा निकाला और उसके बाद पीछे वाला फंदा इसमें घटा दिया। और अब फिर इसी में फिर से सिलाई डालेंगे, क्रोशिया डालेंगे और एक बल लेंगे और अब इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे, दोनों को एक साथ ख़त्म करेंगे। और उसके बाद नॉर्मली सिंगल क्रोशिया सब पे बुनते चले जाएंगे। और अब इस धागे को अंदर ऐसे फंसा देंगे। वाह, तैयार हो गया। और ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमें कॉर्नर बनाना है। तो क्या करेंगे, सिलाई क्रोशिया ऐसे डालेंगे, एक बल लेंगे और इसको बाद इसको घटा देंगे। अब फिर इसी जगह पे फिर से क्रोशिया डालेंगे और अब हमारे पास दो हो गए। फिर से देखिएगा, हमको इधर अब टेढ़ा करना है ऐसे। तो अब क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और अब हमारे क्रोशिया पे दो धागे हैं तो दोनों को एक कर लेंगे। फिर इसी जगह पे एक और क्रोशिया डालेंगे और एक और बल लेंगे और अब इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। और अब आगे ऐसे ही कर सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब इसी पर हम दूसरी लाइन भी सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
कॉर्नर के हिस्से पे देखिएगा, ऐसे देखिए यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे दो बना है, तो इसमें बीच में क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और उसके बाद दूसरे वाले को पहले वाले पे उतार देंगे, फिर इसी जगह पे क्रोशिया डालेंगे और एक बल लेंगे, और अब दोनों को फिर से एक क्रोशिया में बल लेंगे और इसको दोनों को एक साथ उतारेंगे, यानी सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब ऐसे ही सब पर सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों आर्म होल बन के तैयार है, और अब हम गले पे क्रोशिया से काम करेंगे। इसके लिए हम यहाँ जो सिलाई हुआ है यहाँ से शुरू करेंगे। और सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। यहाँ कॉर्नर है देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और अब पीछे वाला जो है इस पर घटा देंगे, फिर इसी जगह पे फिर से क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये इधर टर्न कर जाएगा और अब फिर सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे टर्न है तो क्रोशिया ऐसे डालेंगे, एक बल लेंगे और पीछे वाला आगे वाले पे घटा देंगे, फिर इसी जगह पे फिर से क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि इस बल से इन दोनों को एक साथ घटाएंगे और फिर यहाँ पे हमको टर्न करना है, तो क्रोशिया डाला, एक बल लिया और पीछे वाला इसमें घटा दिया, फिर इसी जगह पे फिर से क्रोशिया डालेंगे, एक बल लेंगे और अब यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 30 बल लेके और इन दोनों को एक साथ घटाएंगे और फिर हमें नॉर्मली सिंगल क्रोशिया करते जाना है। अब यहाँ पे हमें इधर मुड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे और फिर इसी में यहाँ जहाँ पे हमने बनाया था वापस इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये देखिए घूम जाएगा। यहाँ पे
हमें मुड़ना है तो क्रोशिया डालेंगे, बल लेंगे और इसको पीछे वाले को इसमें घटा लेंगे। फिर इसी जगह पे फिर से क्रोशिया डालेंगे, बल लेंगे और अब एक और बल लेंगे और फिर अब इन दोनों को एक साथ घटाएंगे और फिर नॉर्मली सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड कंप्लीट हो गया है और हमको इसी पर दूसरा राउंड भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, घुमाने के लिए मैंने एक में दो सिंगल क्रोशिया बनाया है और दोनों के बीच में एक चेन लिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें घुमाना है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो बना है तो इसके बीच में क्रोशिया डालेंगे, एक बल लूप खींचेंगे और उसके बाद पीछे वाले को यहाँ घटा देंगे और फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमको फिर घुमाना है घटा लेंगे, फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद नॉर्मली सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो बना हुआ है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। देखिए ये घूम गया। यहाँ पे घुमा है तो पहले एक बल लेंगे और पीछे वाले को यहाँ पे घटा देंगे, फिर इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब सब पर सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिफरेंट स्टाइल में सुंदर सा गला बन के तैयार है और ऐसे ही हम नीचे भी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर बन के तैयार है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बनाइए। यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।